हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वोटर कार्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो दोस्तों, अपने लैपटॉप से या आप अपने मोबाइल से ही, अगर आप मोबाइल से नहीं करना चाह रहे हैं तो अपने लैपटॉप से वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं या प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड मंगाना चाहते हैं। देखिए, आपके पास कागज़ वाला वोटर आईडी कार्ड है और आप प्लास्टिक वाला, जो जिसे पीवीसी वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, वो मंगाना चाहते हैं घर बैठे फ्री में, तो उसको मंगाने के लिए चलिए बताता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है NSBP सर्च करेंगे तो आपको NSBP की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की वेबसाइट आ जाएगी। इसको आप ओपन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ न्यू टैब में ओपन कर लिया है। तो यहाँ से आप देखिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको वोटर पोर्टल पे जाना है। तो वोटर पोर्टल पर जब आप क्लिक कर देंगे तो न्यू विंडो में एक लॉगिन विंडो आ जाएगी, जो कि इंडिया की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यानी कि चुनाव आयोग की वेबसाइट है। तो यहाँ सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, या आप अपनी ईमेल आईडी से क्रिएट कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल नंबर से। तो चलिए मैं अपने मोबाइल नंबर से यहाँ अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ OTP आएगा तो OTP मैं क्लिक कर दूंगा। अपना फ़ोन चेक करूंगा मैं तो वहाँ देखते हैं OTP आ जाएगा। OTP आ गया है और मैं यहाँ पर OTP टाइप कर देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ प्रोसेस मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो अकाउंट क्रिएट हो गया है, तो यहाँ मुझे अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड मैंने अपना क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैं सॉल्व द मैथ इसको कैप्चा को फिल कर दूंगा। तो पासवर्ड आपको नोट करके रख लीजिए किसी डायरी में, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है। जो कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ टिक कर देना है इसको टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी पर। यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा और यहाँ से आ जाएगा वेलकम टू द वोटर पोर्टल। तो यहाँ से वेलकम पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ से आप देखिए क्या क्या वर्क कर सकते हैं इस वेबसाइट पे आने पर। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जब आप आ जाएंगे, अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या आपको अपना वोटर आईडी कार्ड शिफ्ट करना है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और आपको अगर प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड मंगाना है तो आपको रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड पर क्लिक करना होगा। आप अपना मतदाता से सूची से नाम निकलवाना चाहते हैं, यानी कि वोटर आईडी कार्ड अपना डिलीट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए, पीवीसी वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए और प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड मंगाने के लिए मैं रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है, वोटर आईडी कार्ड आपका फट गया है, बेकार हो गया है, तो प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड मंगाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर देता हूँ जो मुझे वोटर आईडी कार्ड मंगाना है। नाम मैंने टाइप कर दिया है और यहाँ से मैं स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा अपनी, और दोस्तों यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए। तो दोस्तों, वहाँ पर जब आप सबमिट कर देंगे नाम जेंडर फिल करने के बाद, आपके सामने यहाँ तीन चीज़ें लिखी हुई आएंगी, जो कि आपकी मोबाइल ऐप में भी आती हैं। वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप से भी आप ये कर सकते हैं। उसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो अपने मोबाइल से वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लेट स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा। लेट स्टार्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे, नो आई डोंट हैव वोटर आईडी कार्ड, येस आई हैव वोटर आईडी कार्ड। तो चलिए, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है तो मैं येस पे क्लिक कर दूंगा। मुझे यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना है, तो यहाँ मैं वोटर आईडी नंबर फिल कर दूंगा। स्टेप बाई स्टेप आप देखते जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरते जाइए। यहाँ से मैं फैच डिटेल पर क्लिक कर दूंगा, तो जो मैंने नंबर डाला है उसको, उस डिटेल को ये फैच करेगा और सारी डिटेल आपके सामने। प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे तो सारा कुछ आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ नाम आ रहा है, यहाँ से चेक कर लीजिए, सारा कुछ चेक कर लीजिए, आपका ही है। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये आपका ही है। अब हम अप्लाई करने वाले हैं प्लास्टिक वाले वोटर आई डी कार्ड के लिए, तो यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे। इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने पर यू नीड टू अपडेट योर मोबाइल नंबर, वी कैन हेल्प बाई सेंडिंग OTP टू वैलिडेटेड। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ से मैं OTP सेंड कर देता हूँ। अब फ़ोन को देखते हैं, OTP आ जाएगा, उसको हम यहाँ फिल करेंगे। OTP आ चुका है,
ओटीपी मैंने फिल कर दिया है, यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड मतलब आपके पास जो कागज़ वाला है, अब आप प्लास्टिक वाले के लिए अप्लाई करें तो आपको कोई एक रीज़न देना होगा। रीज़न मैंने टाइप कर दिया, यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। चूज ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड। दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, आप वोटर आईडी कार्ड को सीएससी सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर टिक करते हैं तो, अगर आप बाय पोस्ट के जरिए पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ टिक करना होगा, अगर आप अपने बीएलओ से कलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक कर दिए। अब देखिए मैं बाय पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पोस्ट के जरिए वोटर आईडी कार्ड को मंगाता हूँ, तो डाकी आएगा और घर पे दे जाएगा प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड। तो सारा कुछ हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, मैंने यहाँ टिक कर दिया है। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आएगा, यहाँ से आप पूरी डिटेल को चेक कर लीजिए कि आपकी डिटेल सही है, सही डिटेल है। अब देखिए आपको करना क्या होगा, तो ये एक फॉर्म आ गया है पूरा डिजिटली, आपको रिसीव आ जाएगा प्लास्टिक वाला, तो यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में घर बैठे ही आपका प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड डाक के जरिए, पोस्ट के जरिए आपके घर पर भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपने लैपटॉप से प्लास्टिक वाले वोटर आईडी कार्ड को, जिसको पीवीसी वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, उसको आपको घर पर बाय पोस्ट के जरिए भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक रेफरेंस आईडी आई है, इस रेफरेंस आईडी को आप कहीं नोट करके रख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, यहाँ पर अपने कंप्यूटर में इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और बाद में आप इसका स्टेटस चेक करते रहिए। आप देखिए इसका स्टेटस चेक करते रहिएगा और सारी डिटेल आपको पता चलती रहेगी कि आपका कहां तक ये पहुंच चुका है। यहां से ये सब हो गया है और मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं। अब आपको मैं बताता हूं कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं। दोस्तों अब आपको स्टेटस चेक करने के लिए यहां पर आप इस वोटर पोर्टल पर आ जाएंगे, यहां पर ट्रैक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों अब आपको यहां पर देखिए, अगर आपने कंप्लेंट की है तो आपको कंप्लेंट पे क्लिक करना है और यहां पर आपको कंप्लेंट नंबर डालना होगा, और अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो हमने देखिए प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड के लिए हमने भेजा है हमने और उसके लिए अप्लाई किया है। तो चलिए मैं रेफरेंस नंबर जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था और जो नोट करके रखा था उसको मैं यहाँ टाइप कर दूंगा। तो यहाँ मैं रेफरेंस नंबर को टाइप कर देता हूँ, रेफरेंस नंबर मैंने टाइप कर दिया है और यहाँ से मैं ट्रैक योर स्टेटस पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मैंने अभी अभी इसको सबमिट किया है, तो अभी देखिए यहाँ पर एक ही स्टेप कंप्लीट हुआ है, जैसे ही ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा मेरा ये फॉर्म, तो यहाँ पर ये टिक आ जाएगा और जो बाकी का अगर घर पर पहुंचा दिया जाएगा तब सारे टिक यहां पर आ जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सबमिटेड, एक्सेप्ट, रिजेक्टेड, ये सारा कुछ यहां से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप NSBF वेबसाइट पर जाकर, वोटर पोर्टल पर जाकर आप वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड सारा कुछ, अपना वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं।